छत्तीसगढ़ के जांजगीर और चंपा जिले के ग्राम पिहरीद में बोरेवल के लिए किए गए गड्ढे में 11 वर्षीय राहुल साहू को साकुशल निकालने के लिए करीब 60 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहुल साहू को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अत्याधुनिक मशीनों और वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे की गतिविधियों पर CCTV से नजर रखी जा रही है। SDRF और NDRF के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। गुजरात के सूरत से रोबोट संचालक महेश अहिर रोबोट के माध्यम से बचाव की कोशिश में लगे हैं। रविवार को बोर में रोबोट उतारा गया था, जिसके बाद टेस्टा स्ट्रक्चर बनाकर बोर में उतारा गया, लेकिन रोबोट बच्चे को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। बच्चे के सोने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन टाल दिया गया। सोमवार सुबह 5 बजे उसे केला और फ्रूटी दी गई। बोरेवल के बगल में रविवार की शाम 50 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा गया। वहां से राहुल 9 मीटर दूर है। उस तक पहुंचने के लिए सुरंग की खुदाई भी शुरू हो गई, लेकिन बीच में बड़ी चट्टान आ गई। बताया जा रहा है कि अभी तक 10 फीट टनल खोदने का काम बाकी है, जिसमें कम से कम 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। बीच में चट्टान की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी ड्रिल मशीन का उपयोग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आसपास कंपन होने की संभावना है। इससे राहुल को परेशानी हो सकती है। बाकी का काम छोटी ड्रिल मशीन और हाथी से खुदाई के जरिए किया जा रहा है। रात के वक्त राहुल सो गया था। उसका कुछ मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच सुबह करीब 5 बजे जब उसने मूवमेंट किया तो उसे खाने के लिए फ्रूटी और केले दिए गए। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला कैमरे से खुद बच्चे की निगरानी कर रहे हैं। देर रात तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कलेक्टर से बातचीत करते रहे। राहुल साहू का शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद से कुछ पता नहीं चल रहा था। जब घर के ही कुछ लोग बाड़ी की तरफ गए तो राहुल के रोने की आवाज आ रही थी। गड्ढे के पास जाकर देखने पर पता चला कि आवाज अंदर से आ रही है। बोरेवल का गड्ढा 80 फीट गहरा है। ये भी बताया जा रहा है कि बच्चा मूक बधिर है, मानसिक रूप से काफी कमजोर है, जिसके कारण वह स्कूल भी नहीं जा पाता है, घर पर ही रहता है। पूरे गांव के लोग भी 2 दिन से उसी जगह पर टिके हुए हैं, जहां पर बच्चा गिरा है। राहुल अपने माता पिता का बड़ा बेटा है। उसका छोटा भाई 2 साल का है। पिता की गाँव में बर्तन की दुकान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। GPM जिले के एक गांव में स्थित मस्जिद और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर विवादित पोस्ट के आरोप में पुलिस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बिलासपुर की गौरी गुप्ता और राजनंद गांव के रहने वाले गुलशन हिरवानी के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के सदस्य उत्तम वासुदेव, नगर पंचायत पेंड्रा के उपाध्यक्ष पंकज तिवारी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पेंड्रा थाने में इन तीनों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गिरफ्तारी की है। दरअसल मरवाही के मटिया डांडा गांव में स्थित मस्जिद को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने शनिवार को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। इस पे पुष्पेंद्र ने मस्जिद की तस्वीर डालकर लिखा था, इस गांव की आबादी 1400 है, यहां केवल एक मुस्लिम परिवार रहता है, यहां 50 लाख रुपए की लागत से मस्जिद भी बनाई गई है। पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तुष्टिकरण की राजनीति सहित अन्य आरोप भी लगाए थे। वहीं गौरी गुप्ता और गुलशन हिरवानी ने भी इस पोस्ट को शेयर किया था, जिसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का शांतिपूर्ण माहौल खराब करना बताया और विरोध किया। शिकायत के बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। प्रयागराज में भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद इस्लामी और कथित लिबरल्स गैंग उसके बचाव में खड़ा हो गया है। दंगे भड़काने के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप और उसकी बेटी आफरीन फातिमा के अवैध निर्माण को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़े जाने के बाद इस्लामिक मानसिकता वाले का रोना शुरू हो गया है। शर्जील उस्मानी, राणा अयूब और सुचित्रा विजयन जैसे स्वघोषित बुद्धिजीवी और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया है।
इसी क्रम में कट्टरपंथी इस्लामी शर्जील उस्मानी ने प्रयागराज दंगे की आरोपित जावेद का सिलसिलेवार ट्वीट कर आरोपी का बचाव किया। उस्मानी ने समय समय पर आतंकियों का बचाव करने वाली जेएनयू की स्टूडेंट रही जावेद की बेटी आफरीन फातिमा का भी जिक्र किया। एडीए की कार्रवाई को बदला करार देते हुए उस्मानी ने ट्वीट किया, आफरीन फातिमा और उनका परिवार इस बात की कीमत चुका रहा है कि वे कौन हैं। ये खतरनाक रूप से नृशंस है, ये एक विच हंट है। अल्लाह उन सभी परिवारों पर अपनी रहमत बरसाए जो व्यक्तिगत जोखिम होने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। अल्लाह उनकी और सभी परिवारों की रक्षा करे, आमीन। फिर क्या था, कथित बुद्धिजीवी सुचित्रा विजयन ने भी आफरीन फातिमा और जावेद अहमद का समर्थन किया। सुचित्रा ने हैशटैग स्टैंड विद आफरीन फातिमा के साथ एक ट्वीट पोस्ट किया और एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लोगों से ट्विटर पर हैशटैग मुस्लिम लाइव्स मैटर जैसे कई टैग्स को ट्रेंड कराने को कहा। वहीं राणा अयूब भी दंगे भड़काने के आरोपित के बचाव में कूद पड़े। जावेद अहमद के अवैध निर्माण को वैध तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई को अयूब ने उत्पीड़न करार दिया। कथित पत्रकार ने ट्वीट किया, भारत में उत्पीड़न का एक और दिन। आफरीन फातिमा के खिलाफ अन्याय विरोध करने पर जिन युवकों की हत्या की गई उनके घरों को तोड़ा गया। भारत में मुस्लिमों को अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश की कीमत चुकानी पड़ रही है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुए दंगे के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के अवैध घर को ध्वस्त करने से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसे सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का नोटिस दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला लखनऊ का है जहां पुलिस लॉकअप में दंगाइयों को सबक सिखा रही है। हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को डंडे मारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों द्वारा लॉकअप में लाठियों से पीटने को विपक्ष ने हिरासत में यातना करार दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट किया, उठने चाहिए ऐसे हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। यूपी हिरासत में मौतों के मामले में नंबर वन, यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल, यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।